इससे पहले के लेक्चर में हमने देख लिया कि अगर आपका 3 इंच आर्च है और 3 इंच आर्च पे अगर आपके पॉइंट लोड लग रहे हैं, है ना, तो हम उनके थ्रू वर्टिकल डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैसे निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक 3 इंच आर्च है और उसमें क्या है, पूरी स्पेन पे यूडियल लग रहा है, ठीक है ना। लिखा हमने 3 इंच आर्च कैरिंग यूडियल ओवर एंटायर दिस स्पेन, ठीक है ना। इसके पूरी स्पेन पे क्या लग रहा है, यूडियल लग रहा है, और हमें फाइंड आउट करना है वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट्स एंड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो आपका जो रिएक्शन निकालने का या फिर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने का जो प्रोसीजर है 3 इंच आर्च में, वो सेम ही रहेगा, चाहे आपका पॉइंट लोड एक्ट कर रहा हो या फिर यूडियल एक्ट कर रहा हो, ठीक है ना। तो ये आपने वर्टिकल रिएक्शन निकालने के लिए क्या लगाया, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स लगाई, तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लो, हमारे पास जो यूडियल गिवन है वो क्या गिवन है, डब्ल्यू पर मीटर में, ठीक है ना। डब्ल्यू है ऊपर मीटर पे लग रहा है, ठीक। हमारे पास इसकी स्पेन कितनी है, एल है, और राइज कितना है, एच है, और सी पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्राउन के पास एक हिंज है, हमारे पास पूरी क्या है 3 इंच आर्च है। तो इस पर निकाल लूँ वर्टिकल डायरेक्शन में, तो सिग्मा एफ एक्स 0 करूंगा, तो हमारे पास ये दोनों सेम होंगे, है ना, तभी हमारे पास एच माइनस एच 0 हो पाएगा। देन मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ वाई मैंने लगाया, तो यहाँ से मेरे पास वाई डायरेक्शन में कौन कौन से लग रहे हैं, वी ए लग रहा है, वी बी लग रहा है, और यूडे लग रहा है। तो हमारे पास वी ए प्लस वी बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, जितना इसका टोटल लोड होगा, ठीक है ना। तो यूडेल में डब्ल्यू पर मीटर लग रहा है, टोटल लोड कितना हो जाएगा, यूडेल हमारे पास क्या है, डब्ल्यू पर मीटर है, टोटल लोड कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल, है ना। देन सिग्मा मूवमेंट अबाउट ए 0, है ना, जो हमारा मूवमेंट है ए के अबाउट हमने क्या किया, 0 कर दिया, या फिर बी के अबाउट कर सकते हो आप। तो यहाँ से हमारे पास ये वी बी ए के लिए क्या लग रहा है, एंटी क्लॉक, और ऊपर से जो यूडियल है वो क्या लग रहा है, इसलिए क्लॉकवाइज। तो देखो जब हमारे पास ये एंटी क्लॉक लग रहा है, तो वी बी इंटू एल एंटी क्लॉक है, तो माइनस जो यूडियल है क्लॉकवाइज लग रहा है। तो देखो इतना पार्ट हमारे पास क्या है, ये केवल लोड है, तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, तो देखो आपके पास लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू है ए से, है ना। लोड हमारे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल, और एल बाई टू क्या है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यूडियल की। देखो जो हमारा यूडियल है वो कहाँ पैक करता है, एकदम सेंटर पैक करता है ना, तो टोटल स्पेन हमारे पास एल है, और ये एक्ट करेगा किस पे, एल बाई टू पे एक्ट करेगा ये। तो हमारे पास ए से उसकी जो सेंटर पॉइंट है यूडियल का, वो क्या हो जाएगा, एल बाई टू है, यानी हमारे पास क्या जाएगा, ये एल बाई टू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास ए से। देन आपने निकाला वी बी, आपने फाइंड आउट कर लिया डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है ना। तो हमारे पास वी बी निकल गया, तो हम ए आराम से निकाल सकते हैं, वी ए हमारे पास कितना जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए वही मैंने क्या किया है, जो आर्च है, आर्च के जो लेफ्ट साइड में जो इतना लोड है, इसका मोमेंट सी के अबाउट 0 कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे 3 इंच आर्च है, तो 3 इंच आर्च में मैं सी के अबाउट मोमेंट 0 करूंगा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने के लिए। 2 इंच आर्च में सी के अबाउट नहीं कर पाओगे आप, क्यों, क्योंकि 2 इंच आर्च में आपके क्राउन पे हिंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी लोड थे उनका मोमेंट 0 कर दिया सी के अबाउट। तो हमारे पास जो थ्रस्ट है वो एंटी क्लॉक लग रहा है, ठीक है ना। देखो जो आपके पास एच है वो क्या लग रहा है, एंटी क्लॉक, और हमारे पास जो ये लेफ्ट साइड में यूडियल वाला पोर्शन, ये भी क्या लगेगा, इसके लिए एंटी क्लॉक लगेगा, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये लोड डब्ल्यू इंटू एल बाई टू कितना है, ये हमारे पास लोड है, और ये मिडिल पैक करेगा, तो हमारे पास एल बाई टू डिस्टेंस है, और उसका मिडिल कितना हो जाएगा, एल बाई फोर, ठीक है ना। एल बाई टू का हाफ कितना हो जाएगा, एल बाई फोर, तो हमारे पास यहाँ पे एच जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8H, ठीक है ना। तो इसको आप एज ए डेरिवेशन ले सकते हो हमारे पास, कि अगर हमारे पास पूरी केबल में, अगर हमारे पूरे आर्च में एंटायर द स्पेन यूडियल लग रहा हो, तो हमारे पास रिएक्शन कितनी आएंगी, टोटल लोड दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, डब्ल्यू एल है ना हमारे पास टोटल लोड, तो डिवाइड होगा डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू, और जो थ्रस्ट आएगा हमारे पास क्या आएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8H आएगा, ठीक है ना। जैसे हम सिमिलर सपोर्ट बीम में भी करते हैं, सिमिलर सपोर्ट बीम में हमारे पास ये आता है ना, अगर हमारे पास यूडियल लग रहा है पूरे बीम में, तो हमारे पास रिएक्शन एट सपोर्ट कितना आता है, डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू, यानी हमारे पास पूरे लोड का हाफ ऑफ कर देना है,
ठीक है ना, रिएक्शन निकालने के लिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, इसको आप देखिए। मैंने लिखा है फॉर थ्री इंच पैराबोलिक आर्च व्हेन सब्जेक्टेड टू यूडियल ओवर द होल स्पैन द मूवमेंट एट पॉइंट इज जीरो, द पॉइंट एट द मूवमेंट एट ऑल द पॉइंट इज जीरो, है ना। अगर हमारे पास आर्च पे है, क्या लग रहा हो, थ्री इंच आर्च पे पूरे होल द स्पैन पे यूडियल लग रहा हो, तो हमारे पास आर्च के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, मोमेंट जीरो होगा, ठीक है ना। अगर क्या है, हमारे पास जो केबल है, सॉरी जो आर्च है, आर्च पे अगर पार्शियल यूडियल लग रहा हो, यानी उसके हाफ स्पेन पे लग रहा हो, है ना, या फिर हमारे पास क्या लग रहा हो, पॉइंट लोड्स लग रहे हो आर्च पे, उस केस में मोमेंट आता है आर्च में, ठीक है ना। बट जो ये मोमेंट आ रहा है किसके कारण, पॉइंट लोड के कारण, या फिर जो पार्शियल यूडियल के कारण हमारे पास लोड मोमेंट आएगा, उसको हम जीरो कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम जीरो कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर में लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट लेक्चर के नोट्स में मैंने क्या लिखा हुआ है, इट इज मेनली सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स एंड शेयर फोर्स, ठीक है ना। यानी इसमें मेनली आपका कंप्रेसिव फोर्स आता है और शेयर फोर्स आता है, जो उसमें बेंडिंग मोमेंट आ भी रहा है उसको हम जीरो कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ अरेंजमेंट ऐसा कर सकते हैं उसमें कि हमारे पास मोमेंट जीरो हो जाए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आर्च में मेनली क्या आता है, कंप्रेसिव फोर्स एंड शियर फोर्स, ठीक है ना, जो आपका ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है, ठीक। ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, आप लोगों को इसमें वही वर्टिकल रिएक्शन निकालना है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालना है। आपके थ्री इंच आर्च है, इसमें क्या लग रहा है, ये यूडियल लग रहा है 20 kN/m का, राइजर का 5 m का, स्पेंडर की 4 m की, और आपको फाइंड आउट करना है वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। आंसर आपके ये रहे, ठीक है ना।